हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद मोहम्मद शावेस। जिनायत। कल आज केजीएफ आई है। यस वीडियो कल देखेंगे लोग। या केजीएफ के साथ एक टीजर अटैच होके आया था जो कि ओनिक्स वालों ने प्ले नहीं किया था, हमको नहीं दिखाया गया, नहीं दिखाया गया था, बट आता है। फिल्म का नाम है कांतारा। ओके, सेम प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसके डायरेक्टर है ऋषभ शेट्टी, इसके राइटर है ऋषभ शेट्टी, और इसके एक्टर भी हैं ऋषभ शेट्टी। अच्छा। ओके, जो कि उनका आई थिंक बन चुका है, वो हर चीज वही करते हैं। रिसेंटली हमारे पुराने चैनल में हमने उनके रिचर्ड एंथोनी, 777 चार्ली, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर रिएक्ट किया था जो कि अभी तक आई नहीं है फिल्म, या अनदर अनाउंसमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन कांतारा टीजर, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। Let's start. Yes. ಇಷ್ಟ ಸಾಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದವರು ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ 14 ಗಂಟೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಜನ ನೀಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆಡಬ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಒಂದು ದಂತಕಥೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಂತಕಥೆ? ದಂತಕಥೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ದಂತಕಥೆ ಕಥೆ ಸ್ಟೋರಿ. ದಂತ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಾವೆಲ್ हो सकता है, कुछ फिक्शनल स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी हो सकता है. विल विल सर्च इट ना, जिस टाइम दंत कथे. बट द टाइम आई एक्चुअली से व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, इट्स मोर आई एम हैप्पी टू सी के इस तरह के विजुअल्स कन्नड़ सिनेमा में देखने को मिल रहे हैं. यस, आई थिंक वी गॉट इट. इट इज दंत कथे, जस्ट कम डाउन. इट मीन्स एनेक्डॉक, सॉरी एनेक्डोट, एनेक्डोट बोलते हैं इसको. ओके ओके, एनेक्डोट जो है ये, तो दिस इज़ लाइक एक स्टोरी लग रहा है कि मुझे पॉपुलर स्टोरी. हाँ 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 बेस्ड ऑन रियल. हाँ, मुझे लग रहा है कि बेसिकली इट इज़ जो होते ना फोकलोर कहते हैं हम उसको, तो उस तरह की एक स्टोरी हो सकती है. फोकलोर जिसे कहते हैं, जो कि हुई होती है कहीं पे, जो पीढ़ी 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 में होती है कि एक स्टोरी वो आती है, वो उसको बोला जाता है, तो वो हो सकती है ये. एंड ऑफकोर्स ऋषभ शेट्टी रक्षित शेट्टी के भाई हैं शायद ये. हाँ, एंड दे बोथ आर अमेजिंग, ब्रिलियंटली टैलेंटेड पीपल. एंड सॉरी आई टोल्ड के अवनी श्रीमन्ना रक्षित, सॉरी रिचर्ड चार्ली, ऑल दिस फिल्म्स आर ऋषभ शेट्टीज, इट्स रक्षित शेट्टीज फिल्म. या या, मैं उनके भाई को यो बोल रहा था और मैंने कन्फ्यूज हो गया वहाँ पर. एंड दे आर अमेजिंग फिल्म मेकर्स. बट येस, दिस जो वीडियो है यहाँ पर मुझे लग रहा है मोर ऑफ द विजुअल्स आर अमेजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट बिलीव के, मतलब सी कन्नड़ा इंडस्ट्री क्या था कि एक ज़माना था जब कन्नड़ा इंडस्ट्री स्टक हो चुकी थी. इट वॉज स्टक इन सम वर्ल्ड जहाँ पे वो, जहाँ पे वीडियोग्राफी भी उसकी उतनी अच्छी हो नहीं रही थी. कॉन्टेंट वाइज वो अच्छा हो रहा था, बट वीडियोग्राफी वाइज, विजुअल वाइज, फॉर एग्जाम्पल सिनेमाटोग्राफी वाइज इतना अच्छी नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको, ये एक पिक्चर आई थी ना नीनिन दले, और एक वैसा मूवी आई थी वो मिलना, और ऐसे जो मूवीज़ आ रहे थे, या फिर अगर हो जाए आपकी मूवी कौन सी, वो गाड़ी पटा, ऐसे जो इंग्लिश मूवीज, सॉरी कन्नड़ा मूवीज हुआ करते थे वो. उसमें क्या था कि स्टोरी टॉप नॉच हुआ करती थी, एक्टर्स अमेजिंग हुआ करते थे कम्प्लीटली. इनफैक्ट मुंगारू मंडले को का कॉपी कितने, मतलब कितने लोगों ने उसको अडेप्ट किया था, उस मुंगारू मंडले को.
लेकिन सिनेमेटोग्राफी कहीं ना कहीं और जो कैमरा विजुअल्स जो कि हिंदी में या फिर तेलुगु सिनेमा में उस जमाने में हुआ करते थे वैसे हुआ नहीं करते, एंड इट्स वेरी हैप्पी टू सी के आज कन्नड़ इंडस्ट्री उनसे दो कदम आगे बढ़ चुकी है सिनेमेटोग्राफी में. वी रिसेंटली सॉ KGF एंड द सिनेमेटोग्राफी वॉज कम्प्लीटली, इंडिया ने कभी देखा नहीं है ऐसे. ऑफकोर्स स्टोरी टेलिंग में कंप्लेंट थे हमारे एंड थोड़े सीन्स में कंप्लेंट थे हमारे, बट सिनेमेटोग्राफी वाइज जो उठा के एलिवेट किया गया है एक चीज़ को और कभी नेवर सीन बिफोर है वो. कन्नड़ा इंडस्ट्री में तो आज तक उतनी डार्क फिल्म देखी भी नहीं गई है, सिनेमाटोग्राफी वैसे थी भी नहीं. एग्जैक्टली फॉर श्योर डिफरेंट लैंग्वेजेस में थी बट स्टिल कन्नड़ा से इंडस्ट्री में, और कन्नड़ा इंडस्ट्री में इतनी बड़ी फिल्म बनी भी नहीं है मेरे हिसाब से. Exactly. इतने बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे, एंड दैट वाज अमेजिंग. एंड आई थिंक अभी वो चेंज हो चुका है, नो वी कैन से जितने भी कन्नड़ा फिल्म आ रहे हैं वो सब एक बड़े लेवल पे ही आ रहे हैं. देयर इज वन सुपर हीरो कमिंग इन कन्नड़ा इंडस्ट्री. दे आर यू नो, पहले एक जमाना था फिल्में आती थी और चले जाती थी, फिल्में याद रह जाती या फिर उनके एक्टर्स की परफॉर्मेंस याद रह जाते. अभी क्या हो रहा है, हर फिल्म का अपना अपना यू नो एक क्या बोल रहा है, अपना अपना एक अलग जॉनर बन रहा है. लाइक फिल्मों का ही क्या बोलते हैं, हर एक फिल्म की एक अलग अलग दुनिया है अभी. लाइक KGF का के समझ जाओ, KGF का एक अलग ही फ्रेंचाइज बन चुका है, KGF वर्स कह सकते हैं, KGF का एक अलग ये बन चुका है यार, या फिर राजामौली की कोई भी फिल्म में आया. सो आई थिंक इंडस्ट्री इज चेंजिंग एंड दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट. प्राउड मोमेंट मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, तकबर नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी यू नो फील गुड के कन्नड़ा इंडस्ट्री इतना आगे जा रही है एंड इंटरनेशनल लेवल पे लोग पहचान रहे हैं. मैं आज KGF का हमारा रिव्यू आने के बाद मैं फॉरिनर्स के रिएक्शन देख रहा था. एवरी फॉरिन रिएक्शन चैनल हैज़ गॉन टू वॉच दैट मूवी और उन्हें रिव्यू किया है फिल्म को, और वो सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को फिल्में देखने के लिए इंडिया कन्नड़ा कर्नाटका के. सो दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट. आई थिंक कांतारा इज गॉन बी अनदर लेवल. VFX वे अमेजिंग. जिस तरीके इवन दिस इज़ अ वेरी डार्क फिल्म, इस तरीके की फिल्म आई थिंक जलीकट्टू एक मलयालम फिल्म है, क्वाइट सिमिलर मुझे यू नो फीलिंग आई, बट यहाँ पर स्टोरी लाइन बहुत ही डिफरेंट है उसकी. एंड टीजर है एंड आई लव्ड इट. BGM थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वेरी ट्रेडिशनल वाइब आ रही थी इसमें. यू नो देयर वाज वन रक्षित शेट्टी फिल्म जहाँ पर टाइगर वाली म्यूजिक बज रही थी. दिस इज लाइक मोस्टली रक्षित शेट्टी के जो जितने भी मूवीज हैं दोनों भाइयों के, ये कोस्टल कर्नाटका रीजन से ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और कोस्टल कर्नाटका जो जो कल्चर रिच है. अभी आप अगर बात करें तो बैंगलोर जैसे कहो जाए, हमारा जो सेंट्रल कर्नाटका जैसे बैंगलोर हो गया, टुमकुर हो गया, ये कहीं ना कहीं कल्चर को भूल चुके हैं. और कर्नाटका इज वेरी मच रिच इन कल्चर, वेरी मच रिच इन कल्चर, बट वो कल्चर को ज़्यादातर निभाए. जैसे कि टोपी पहनते हैं, आज भी वहाँ के जाएँ तो एवरी अदर पर्सन वेयर्स अ टोपी देर है. ठीक है, टोपी उनकी शान होती है, हर एक बंदा वो टोपी पहना दिखाई देता है आपको. तो वो नॉर्थ कर्नाटका की और जो कोस्टल कर्नाटका की जो शान है, मैंगलोर हो जाए या फिर उड़पी हो जाए, यहाँ पे जो लोग अपने कोस्टल अपने जो कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, वो ज़्यादातर उसका फोकस होता है. जैसे मैंने जैसे बोला था रंगी तरंगा जो मूवी बोली थी मैंने आपको, उसमें अगर आप देखोगे तो यू विल लव इट द वे दे हैव नो शोन द कल्चर देयर, और उसी तरीके से उसको दिखाना जाके कुछ एड ऑन्स कुछ नहीं, उसमें फेकनेस कुछ नहीं, एज इट इज़ उस कल्चर को दिखाना और बोलना कि देखो कैसे इन लोगों ने कल्चर को अपने रखा है अभी तक जिंदा, जैसे कि यहाँ पर नहीं रखा है. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कन्नड़ा सिनेमा एंड रक्षित शेट्टी पीपल शेट्टी एंड अदर क्या नाम है उनका रंगीत रंगा के जो मेकर्स थे वो. देर आई एम डूइंग अमेजिंग जॉब ऑल टुगेदर. होपिंग ये फिल्म बहुत जल्दी आ जाए. 2022 बोला है तो उसका ट्रेलर भी बहुत जल्द आएगा. हम लोग जरूर देखेंगे और विल सी ये क्या किस तरीके का हमें आउटपुट मिलने वाला है. सो अंटिल दैट, ये था हमारा रिएक्शन कांतारा के टीजर के ऊपर. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें. दिस मोहम्मद शावेस, नोमदिन आयत. प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. डिटेल्स यहाँ पर. साइनिंग ऑफ.